टू फैमिली, आज मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगी अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपने कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। मैं अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करूंगी। यहाँ पर मैं microsoft.com अकाउंट यहाँ पर लिख लूँगी, ठीक है। लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, तो आपने फर्स्ट वाली वेबसाइट के ओपन कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा, तो आपने सिंग इन कर देना है। सिंग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट वन के ऊपर नीचे जो लिखा है क्रिएट वन, मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर ये जो लिखा है क्रिएट वन, क्रिएट वन के आपने ऊपर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आप अपने नंबर से भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एंड जीमेल से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहला वाला अकाउंट जो है वो नंबर से बनाया है, यहाँ पर मैं जीमेल से बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जीमेल से बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने जीमेल डाल दिया है। जीमेल डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड किस तरह का डालना है वो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल पासवर्ड का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपने मजबूत पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ों का यूज़ करना है, नंबर्स का भी यूज़ करना है, लेटर्स का भी, एट द रेट का भी, ठीक है। यहाँ पर आपने तीनों चीज़ का यूज़ कर लेना है, ठीक है। इस तरह से मैं शो करा देती हूँ, इस तरह से आपने पासवर्ड डालना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको शो कराया है, ठीक है। मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे शो कराया है किस तरह से डालना है, लेकिन मैं यहाँ पर पासवर्ड कुछ और लगाऊंगी, ठीक है। इसी तरह का लगाना है जिस तरह से मैंने बताया आपको, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ रिमूव। तो यहाँ से रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल लूँगी, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपको पासवर्ड जो डालना है वो आपको डालना है एट का डालना है, मतलब 8 अंक होने चाहिए उसमें। उसमें क्या होना चाहिए हमारा, होगा नंबर्स एंड लेटर एंड द एट द रेट, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे कंट्री डालने के लिए आ जाएगा, ठीक है। आप जिस कंट्री से भी है तो साइड में यहाँ पर इसके ऊपर हम सिंपली करेंगे क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इंडिया से हूँ तो मेरा पहले से इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट है, तो मैं इंडिया रहने देती हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है, जनवरी, और यहाँ पे फर्स्ट एंड ईयर, ठीक है, यहाँ पे डाल देती हूँ 1990, ठीक है। यहाँ पे फिर कर देना है आपने नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो आपका जीमेल है, आपने जो अपना जीमेल डाला है उसके ऊपर आपको एक कोड जाएगा, वो कोड आपने यहाँ पर डालना है, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ जीमेल पे कोड आ चुका है, तो मैं यहाँ से अपना कोड ले लूँगी जो मेरा यहाँ पे कोड आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कोड मिल चुका है, तो यहाँ से अपने कोड डालना है और यहाँ पर ब्लू टिक रहने देना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्रिएट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, तो आपने डरना नहीं है। नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली करना क्या है, जैसे कि ये हैंड है, हैंड का मतलब जो किस तरफ है, मतलब जो इसकी फिंगर्स हैं वो किस तरफ है, उसी तरफ हमने इसको करना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है, जैसे कि जिस तरह से इसकी फिंगर्स है आप देख सकते हो इस तरह से, तो मैंने इसको भी इसी तरह से कर दिया है। इस तरह से करने के बाद हम करेंगे सबमिट। सबमिट के ऊपर करने के बाद डन वेरिफिकेशन कम्प्लीट, यानी कि हमारा वेरिफिकेशन यहाँ पर कम्प्लीट हो गया, हमने अच्छे से कर दिया है। तो करने के बाद यहाँ पर हमारा थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और यहाँ पर हमारा आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह का आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ब्रिंग एवरीथिंग, यानी कि हमारा यहाँ पर अकाउंट बन गया है। तो नीचे कंटिन्यू लिखा है, कंटिन्यू के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो
आप फाइनली देख सकते हो यहाँ पर मेरा अकाउंट बन चुका है। तो आपको मैं वहाँ पर उसी वेबसाइट के ऊपर लेकर चलती हूँ अब, ठीक है। यहाँ पर बीइंग इमेज क्रिएट के ऊपर मैं लेकर चलूंगी आपको, पहली वाली वेबसाइट के ऊपर मैं कर दूंगी क्लिक। क्लिक करने के बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिस तरह से के मेरे सामने शो हो रहा है, तो इसी तरह से आपके सामने शो हो जाएगा। तो सामने शो हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको यूज करना है इसको बता देती हूँ किस तरह से हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यूज करना है यहाँ पर बता रही हूँ। तो क्या करना है हमने यहाँ पर इस तरह से हमने, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा नाम जो है वो यहाँ पर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं चेंज कर लेती हूँ SANA सना, ठीक है। यहाँ पे सना डाल दिया मैंने और इसको कर दूंगी मैं क्रिएट। क्रिएट के ऊपर जब आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपका बन के रेडी हो जाएगा। इतना ये बन रहा है। तो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों में कर दीजिएगा शेयर। और मैं आपके लिए इसी तरह से न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। बता दिया है किस तरह से आपने यूज कर करना है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर मैंने ये टाइप करके डाला है, ठीक है। ये तो यहाँ पर इस तरह का ये बन के आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों में कर दीजिएगा शेयर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।